बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले कुछ लेक्चर से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स, जैसे कि आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर और सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपको फराहम कर रहे थे। आज के लेक्चर में हमारी तमाम डिस्कशन, हमारा तमाम फोकस फ्लो चार्ट्स पर होगा कि फ्लो चार्ट्स के रूल्स क्या होते हैं, इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह। तो डियर फ्रेंड्स, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी जब कभी भी आप अपने एल्गोरिथम को मजीद वाजे करने के लिए, मजीद क्लियर करने के लिए उसे ग्राफिक्स और पिक्चर्स में तब्दील कर देते हैं, तो फिर वही एल्गोरिथम अब कहलाएगा फ्लो चार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, इस फ्लो चार्ट को बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, जो कि ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने डिफाइन किए हैं, ताकि दुनिया में जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो आपस में अपने अपने फ्लोचार्ट्स को शेयर कर सकें, उनसे फायदा मंद हो सकें। क्योंकि अगर सबके फ्लोचार्ट एक जैसे रूल्स पर नहीं बनाए गए होंगे, तो जिस प्रोग्रामर ने भी अपना फ्लोचार्ट बनाया है वो तो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन जब वो अपनी फ्लोचार्ट को इंटरनेट पर डाल देता है, किसी दूसरे प्रोग्रामर से शेयर करता है, तो दूसरा प्रोग्रामर उसके फ्लोचार्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि सबके रूल्स फ्लोचार्ट को बनाने के अलग अलग हैं। इसीलिए ANSI ने कुछ रूल्स बना दिए, कुछ गाइडलाइंस बता दी, और उन गाइडलाइंस के जरिए ही अब सबको अपने अपने फ्लोचार्ट डेवलप करने हैं। इस तरह पूरी दुनिया में मौजूद लोगों के फ्लोचार्ट्स भी तकरीबन एक ही तरह के होंगे, तो इसीलिए तमाम दुनिया में मौजूद प्रोग्रामर्स अलग अलग लोगों के फ्लोचार्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन रूल्स में जो पहला रूल है वो है फर्स्ट चार्ट द मेन लाइन ऑफ लॉजिक देन इनकॉर्पोरेट, यानी फ्लोचार्ट को लिखते वक्त आपको जो लॉजिक आप अपने फ्लोचार्ट में लगाने जा रहे हैं उसके सिर्फ मेन स्टेप को ही लिखना है। जैसे यहाँ हम सम की लॉजिक लगा रहे हैं, तो यहाँ हमने लॉजिक में सिर्फ सम का फॉर्मूला लिखा है। अब अगर यहाँ आप देख भी सकते हैं, अब अगर मैं इसकी मजीद डिटेल देना चाहती हूँ तो वो मैं इस एनोटेशन सिंबल के जरिए इस तरह फ्लोचार्ट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, और फ्लोचार्ट में हम सिर्फ मेन लॉजिक को ही लिखेंगे। और दोस्तों, इसका जो दूसरा रूल है वो भी इसी से रिलेटेड है, मेंटेन अ कंसिस्टेंट लेवल ऑफ डिटेल फॉर अ गिवन फ्लोचार्ट। यानी अगर आप फ्लोचार्ट में मजीद डिटेल किसी लॉजिक की, किसी इनपुट या आउटपुट की डालना चाहते हैं, तो वो डिटेल भी मुख्तसर होनी चाहिए और मुतवातिर होनी चाहिए। और ये देखिए, डोंट चार्ट एवरी डिटेल, यानी दोस्तों अगर आप फ्लोचार्ट में डिटेल देना भी चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर एक स्टेप की ही डिटेल लिख रहे हैं। ऐसे तो फिर फ्लोचार्ट बनाने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की डिटेल्स तो हम एल्गोरिथम और सूडो कोड्स में भी देते रहे हैं, जबकि फ्लोचार्ट्स तो दरअसल उन डिटेल्स को जो एल्गोरिथम और सूडो कोड में मौजूद थी उसको पिक्चराइज करने का नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें हर चीज जो है वो कंसिस्टेंट रखने की जरूरत होती है, हर चीज मुख्तसर रखने की जरूरत होती है। तो इसका फोर्थ स्टेप देखिए, वर्ड्स इन द फ्लोचार्ट सिंबल शुड बी कॉमन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो भी फ्लोचार्ट्स में आप वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉमन होने चाहिए, ताकि तमाम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। जैसे अगर आप कुछ इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट के लिए आप इनपुट लिख सकते हैं, रीड लिख सकते हैं, अगर आप कुछ डिस्प्ले करवा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिंट लिख सकते हैं या फिर डिस्प्ले लिख सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स आपको अपने फ्लोचार्ट में इस्तेमाल करने हैं जो तमाम लोगों को अंडरस्टैंड करना आसान है। इसके बाद जो इसका पांचवा रूल है वो है बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग नेम्स एंड वेरिएबल्स इन फ्लोचार्ट्स, यानी जब कभी भी आप फ्लोचार्ट में किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल नेम भी हमेशा कंसिस्टेंट लें, एक जैसे लें। ऐसा ना हो कि कभी आप वेरिएबल के लिए ABC ले रहे हैं, यानी अल्फाबेट्स ले रहे हैं, और कभी आप वर्ड्स ले रहे हैं, यानी वर्ड्स और नेम्स के अंदर जो है आप वैल्यूज को स्टोर करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको वेरिएबल नेम के अंदर भी आपको कंसिस्टेंसी अपनानी चाहिए, एक जैसे वेरिएबल नेम लेने चाहिए। इसके बाद जो रूल नंबर 6 है वो है फ्लोचार्ट गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, यानी जब कभी भी आप अपने फ्लोचार्ट बनाते जा रहे हैं तो यहाँ आप उसको टॉप से स्टार्ट करेंगे और बॉटम पर एंड करेंगे। यानी आपको ये कोशिश करनी है कि आप जब अपने फ्लोचार्ट
स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप टॉप से स्टार्ट करें, और उसको जब आप खत्म कर रहे हैं तो वो जो एंड हो वो यहाँ पर बॉटम पर आए, नीचे की तरफ आए। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट से अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप या तो लेफ्ट से स्टार्ट करें या फिर टॉप से स्टार्ट करें। अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका इख्तिताम जो है वो आप राइट पर करें, और अगर आप टॉप से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका इख्तिताम जो है वो आप बॉटम पर करें। तो ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट का रूल है। इसके बाद रूल नंबर 7 देखिए, कीप द फ्लो चार्ट एज सिंपल एज पॉसिबल एंड अवॉइड क्रॉसिंग ऑफ फ्लो लाइंस। यानी जितना हो सके आप अपने फ्लो चार्ट को उतना आसान तरीके से डेवलप करें, और कोशिश करें कि ये जो फ्लो लाइंस हैं, ये आपको जो नजर आ रही हैं ये फ्लो लाइंस, ये कभी भी आपस में टकराए नहीं। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये फ्लो चार्ट आपको कितना ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा होगा, क्योंकि तमाम फ्लो लाइंस यहाँ पर आपस में टकरा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी फ्लो चार्ट इस तरह का आपको डेवलप करना चाहिए जो देखने वाले को भी इजी महसूस हो। और ये इसका लास्ट रूल देखिए, इफ अ न्यू फ्लो चार्टिंग पेज इज नीडेड सो इट इज रिकमेंडेड दैट द फ्लो चार्ट शुड बी ब्रोकन एट एन इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट एंड प्रॉपरली लेबल्ड थ्रू कनेक्टर्स। दोस्तों अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो रहा है कि उसको एक पेज पर डेवलप करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप एक और पेज पर उस फ्लो चार्ट के रिमेनिंग पार्ट को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे पेज पर जब आप अपने फ्लो चार्ट को लेकर जा रहे हैं तो वहां आपको प्रॉपर इनपुट्स आउटपुट्स और कनेक्टर यूज करने होंगे, ताकि आप इजीली उन दोनों फ्लो चार्ट्स के दरमियान कनेक्शन शो करवा सके। और फ्रेंड्स, ये तमाम रूल्स किसी भी फ्लो चार्ट को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी इन रूल्स को देखते हुए आप किसी भी फ्लो चार्ट को इजीली डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद फ्लो चार्ट से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ फ्लो चार्ट। दोस्तों फ्लो चार्ट को अगर हम डिवाइड करें तो फ्लो चार्ट को आमतौर पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सिस्टम फ्लो चार्ट, जो कि आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम के फ्लो को शो करता है कि डाटा कहाँ से आ रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है और किस तरह आउटपुट शो होगा। और इस किस्म के फ्लो चार्ट को बहुत ही ज्यादा, यानी इस किस्म के जो फ्लो चार्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जबकि इसकी दूसरी टाइप है प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट या प्रोग्राम और लॉजिक फ्लो चार्ट। दोस्तों ये जो फ्लो चार्ट होते हैं ये आपके प्रोग्राम में जो लॉजिक यूज हो रही होती है वो लॉजिक किस तरह इंप्लीमेंट होगी उसका फ्लो शो करते हैं। और इसको भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो फ्लो चार्ट एंड मैक्रो फ्लो चार्ट। दोस्तों माइक्रो फ्लो चार्ट्स इस तरह के फ्लो चार्ट्स होते हैं जिनमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या वेबसाइट वगैरह के मेजर इवेंट्स को ही शो करते हैं, जबकि मैक्रो फ्लो चार्ट इस तरह के फ्लो चार्ट होते हैं जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर के तमाम छोटे से बड़े यानी तमाम इवेंट्स को शो करते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, अगर हम उसका माइक्रो फ्लो चार्ट देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा कि पहले आप उस वेबसाइट पर रजिस्टर होंगे, यानी एक रजिस्टर का इवेंट होगा, देन लॉगिन का होगा, फिर व्यू का होगा, फिर इंसर्ट अपडेट और डिलीट का होगा। लेकिन अगर हम इसका माइक्रो इवेंट देखें या माइक्रो फ्लो चार्ट देखें तो उसमें तमाम इवेंट्स मौजूद होंगे कि रजिस्टर है तो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लॉजिक यूज होगी, लॉगिन है तो वो लॉगिन किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। यानी मेजर इवेंट तो होंगे ही, साथ के साथ माइनर इवेंट्स के भी फ्लोचार्ट मौजूद होंगे। तो देयर फ्रेंड्स, ये थी फ्लोचार्ट की कैटेगरीज। आइए अब फ्लोचार्ट के फवायद देखते हैं कि फ्लोचार्ट जो है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है बेटर कम्युनिकेशन। दोस्तों फ्लोचार्ट में तमाम एल्गोरिथम के स्टेप्स को विजुअलाइज करवाया जाता है। इसीलिए अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामर को, जिसको आपकी प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है, कोई नो हाउ नहीं है, वो भी आपके फ्लोचार्ट के जरिए इजीली आपके प्रोग्राम की नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक फ्लोचार्ट का बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप नॉन प्रोग्रामर हैं तब भी आप अपने सॉफ्टवेयर की लॉजिक किसी दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। यानी जिसको प्रोग्रामिंग की कोई नॉलेज नहीं है वो भी इजीली आपके फ्लोचार्ट को, आपके सॉफ्टवेयर की लॉजिक को, कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा एडवांटेज है वो है इफेक्टिव एनालिसिस। दोस्तों किसी भी सिस्टम की वर्किंग को एनालाइज करने के लिए फ्लोचार्ट सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इसमें माइक्रो फ्लोचार्ट्स के जरिए आप अपने सिस्टम के मेन मॉडल शो कर सकते हैं कि आप जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी मेजर फंक्शनैलिटीज क्या होंगी। इसके अलावा जो इसका थर्ड एडवांटेज है वो है इफेक्टिव सिंथेसिस।
दोस्तों याद रखें, एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम को मल्टीपल लोग डेवलप करते हैं, कोई डिजाइनिंग कर रहा होता है तो कोई कोडिंग और कोई टेस्टिंग वगैरह, हत्ता के एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल प्रोग्रामर्स भी मिलकर डेवलप करते हैं। तो तमाम प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को कोड करने से पहले उसके फ्लो चार्ट को डेवलप करते हैं और फिर सब अपने अपने फ्लो चार्ट को इंटरलिंक करते हैं। तो यहाँ पर जब प्रोग्रामर्स लिंकिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ लिंकिंग में जो मेजर एरर्स आ रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करना और फिर रिमूव करना आसान हो जाता है। इसीलिए अच्छे प्रोग्रामर्स की एक निशानी होती है कि वो किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसके फ्लो चार्ट्स को डिजाइन करते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट और सबसे बड़ा एडवांटेज है, प्रॉपर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों फ्लो चार्ट्स को आमतौर पर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर के फ्लो चार्ट्स डिजाइन करके उसके डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और वो डॉक्यूमेंट कस्टमर को दे दी जाती है, यानी जिनके लिए आप वो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे होते हैं उनको वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं। अब अगर कस्टमर उस डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर देता है कि हाँ मुझे ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए था, तब जाकर प्रोग्रामर उन फ्लो चार्ट्स को कोड करता है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ये आमतौर पर रिकॉर्ड के लिए भी होते हैं कि अगर बाद में कस्टमर कहे कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए था, तो आप रिकॉर्ड के तौर पर वो डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिसमें फ्लो चार्ट्स मौजूद थे जिन्हें कस्टमर ने अप्रूव किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है एफिशिएंट कोडिंग। दोस्तों जब प्रोग्रामर अपने पूरे सॉफ्टवेयर का पहले फ्लो चार्ट डेवलप कर लेते हैं तो फिर उनके लिए फ्लो चार्ट्स को देखकर प्रोग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आप ये समझ लें कि वो फ्लो चार्ट्स प्रोग्रामर के लिए एक गाइडलाइन का काम कर रहे होते हैं कि उनका जो उनके प्रोग्राम में किस तरह से लॉजिक लगेगी, क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो तमाम चीजें बस उन्हें अब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी है, यानी लॉजिक इनपुट्स आउटपुट्स तमाम उनके सामने होते हैं। तो फ्लो चार्ट्स के जरिए प्रोग्राम को डेवलप करना प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। इसके बाद जो इसका लास्ट एडवांटेज है वो है सिस्टमैटिक डीबगिंग। दोस्तों फ्लो चार्ट के जरिए लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करना, लोकेट करना और फिर रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे इसके एडवांटेजेस। और जिस तरह हर एक चीज के बहुत से फायदे होते हैं तो साथ के साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो इसी तरह फ्लो चार्ट्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिनमें पहला डिसएडवांटेज है फ्लो चार्ट्स आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दोस्तों फ्लो चार्ट को बनाने में यानी डिजाइन करने में बहुत वक्त लगता है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को ही देखिए तो ये आपको दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, तो सोचिए इसको बनाने में कितना वक्त लगेगा। तो इसीलिए ये प्रोग्रामर्स के लिए इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और साथ के साथ ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस भी है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, फ्लो चार्ट्स टेंड्स टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। दोस्तों ना सिर्फ इनको बनाने में बहुत वक्त लगता है बल्कि इनको बनाते वक्त आपको स्पेस भी रिक्वायर्ड होती है, और इसको बनाने के लिए शीट्स और पेपर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जिन पर आप इनको डेवलप करते हैं। और क्योंकि एक ही फ्लो चार्ट मल्टीपल पेपर्स पर डेवलप होते हैं तो उन्हें रीड करना भी मुश्किल होता है, यानी फ्लो चार्ट लफ्ज तो बहुत आसान है लेकिन इसको बनाते वक्त आपको बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, आपका टाइम भी बहुत लगता है, आपको पेजेस भी चाहिए होते हैं। और साथ के साथ जब एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है तो उसको बनाने के लिए आपको कई फ्लो चार्ट्स चाहिए होते हैं, तो जब आप उन फ्लो चार्ट्स को एक साथ इंटरलिंक करते हैं तो इंटरलिंक करने के बाद आपको उनको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है। इसके बाद जो इसका तीसरा डिसएडवांटेज है, दोस्तों यहाँ पर डिसएडवांटेज कर लीजिएगा, एनी चेंजेस इन द प्रोग्राम लॉजिक विल यूजुअली रिक्वायर अ कम्प्लीटली न्यू फ्लो चार्ट। दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज यानी एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करते हैं, कोई तब्दीली करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर वो चेंजेस तो बहुत माइनर होती हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको पहले वाला फ्लो चार्ट डिस्कार्ड करके दोबारा एक न्यू फ्लो चार्ट डिजाइन करना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैटेगरीज एंड रूल्स वगैरह। यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ और साथ के साथ हमारे चैप्टर का भी इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।